गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 अगस्त 2019 और आज है स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो 15 अगस्त से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की PDF फाइल। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये क्या है, हरदीप सिंह पुरी ने। वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, यही है आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, और इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का शुभारंभ किया है और ये पांचवा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है, पांचवा है इस बार। और अभी 2019 का विजेता शहर कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का विजेता शहर है इंदौर। तो सबसे ये पांचवा है। तो पहला हुआ था 2016 में, हुआ था पहला स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में, तो उसमें मैसूर पहले नंबर पे रहा था। और फिर उसके बाद हुआ था दूसरा स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में, तो उसमें इंदौर टॉप पे रहा था। फिर तीसरा हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में, तो उसमें भी इंदौर टॉप पे रहा था। और चौथा हुआ था 2019 में, उसमें भी इंदौर टॉप पे रहा था, यानी लगातार तीन बार रहा है इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में। अब ये पांचवा शुभारंभ किया है पांचवे का, अब इसका जब भी विजेता सर घोषित होगा तब बताया जाएगा। तो ये पीछे के सारे याद रखने विजेता सर, तो लास्ट तीन बार लगातार तो इंदौर है और पहला मैसूर है, तो ये ध्यान रखना है। और अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का शुभारंभ किया है हरदीप सिंह पुरी ने, तो ये वर्तमान में हमारे शहरी और आवास मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और राजनाथ सिंह है वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और गजेंद्र सिंह शेखावत इंपॉर्टेंट है जल शक्ति मंत्री है, अभी नए मंत्रालय का गठन हुआ था जल शक्ति मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, और अमित शाह है गृह मंत्री। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट दिए जाएंगे जीके के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व शिक्षा सम्मेलन 2019 यानी वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2019 में किस राज्य ने पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है राजस्थान ने। तो अभी नई दिल्ली में वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2019 यानी विश्व शिक्षा सम्मेलन 2019 आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, और इसमें पुरस्कार जीता है राजस्थान ने। राजस्थान ने जीता है इसमें पुरस्कार। अब ये राजस्थान ने जीता है, तो मैप में देखते हैं राजस्थान को, ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और अभी जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था जयपुर को, और पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है विश्व शिक्षा सम्मेलन 2019 और इसी में पुरस्कार जीता है राजस्थान ने। ये पुरस्कार इनोवेशन की वजह से जीता है राजस्थान ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के पंच मीरथम को जी आई टैग दिए गए हैं? तो ये तमिलनाडु का है पंच मीरथम, तो ऑप्शन बी करेक्ट है जी आई टैग, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी आई टैग वाला। तो पंच मीरथम तो तमिलनाडु में एक मंदिर है मरुगन मंदिर है तमिलनाडु में, तो उसी मंदिर का प्रसाद है ये पंच मीरथम। तो इस मंदिर का अभिषेक प्रसाद है ये पंच मीरथम, मंदिर का नाम है मुरुगन मंदिर, तो इसी का प्रसाद है ये पंच मीरथम, और इसी को जीआई टैग दिए गए हैं। अब इसका नाम पंच मीरथम क्यों है? तो ये मेनली पांच प्राकृतिक चीजों से बना है। तो पांच चीजें कौन कौन सी हैं? शहद, केला, इलायची, गुड़ और गाय का घी। तो ये पांच चीजों से बना है, शहद, इलायची, केला, गुड़ और गाय का घी। तो ये पांच प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है
तो ये मुरुगन मंदिर का अभिषेक प्रसाद है पंचमेरतम, तो इसको जी आई टैग दिया गया है और ये मंदिर है तमिलनाडु में। अब ये जी आई टैग होता क्या है, जी आई की पहले तो फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये जी आई टैग किसको दिया जाता है, तो किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई, जैसे कोई चीज फेमस है तो उस जगह की पहचान बनाने के लिए उसे दिया जाता है जी आई टैग। तो जैसे किसी स्थान पर कोई चीज फेमस है तो उस जगह की पहचान बनाने के लिए उस चीज को दिया जाता है जी आई टैग, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये दिया गया है पंचमेरतम को। अब ये तमिलनाडु में, तो मैप में देखते हैं तमिलनाडु को, ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एडापंडी के पल्लनो स्वामी और गवर्नर है तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। और अभी 2019 में बहुत सारे जी आई टैग दिए गए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है उनको, उनका रिवाइज करते हैं। तो एक दिया गया था केरल का मरयूर गुड़ था, मरयूर मरयूर गुड़, तो इसको दिया गया था जी आई टैग। और कर्नाटक की सिरसी सुपारी को दिया गया था जी आई टैग, और कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफी को भी दिया गया था जी आई टैग, और महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को भी दिया गया था जी आई टैग। और अभी उड़ीसा के, जो उड़ीसा में जो पुरी का जो मंदिर है, पुरी में मंदिर है उड़ीसा में, तो उसके पास की मिठाई है रसगोला, तो उसको भी जी आई टैग दिया गया है। जो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा का पुरी में, तो उसके पास है ये रसगोला फेमस है, तो उसी को दिया गया था अभी जी आई टैग। और बिहार की शाही लीची को भी दिया गया था जी आई टैग। तो ये इतने इंपॉर्टेंट जी आई टैग दिए गए हैं अभी, तो इनका ध्यान रखना है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, जी आई टैग का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है एक। तो ये पंचमेरतम को दिया गया है जी आई टैग, ये तमिलनाडु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में फिटनेस एवं लाइफ स्टाइल ब्रांड रिबॉक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया वरुण धवन को, अभिनेता वरुण धवन को, यही है वरुण धवन। और इनको फिटनेस एवं लाइफ स्टाइल ब्रांड रिबॉक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी कुछ दिनों पहले बताया था कैटरीना कैफ बनी थी रिबॉक की ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन अब वरुण धवन को बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर रिबॉक के। तो ध्यान रखना है वरुण धवन, ऑप्शन सी करेक्ट है। और अभी कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी भारत पे ये पेमेंट ऐप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सलमान खान, और मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, और हिमालयन का जो फेस वॉश आता है हिमालयन दवा कंपनी, तो उसके बने थे विराट कोहली और ऋषभ पंत, और ट्रैक्टर की कंपनी आती है टेपे ट्रैक्टर, तो उसके बने थे अक्षय कुमार, और सोनाक्षी सिन्हा बनी थी अभी केविन केयर, ये शैम्पू आते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर, और जो मान्यवर की जो शेरवानी आती है मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे कार्तिक आर्यन। तो ये, और फोन पे के बने थे आमिर खान, ठीक है, और कृति सेनन बनी थी। तो अभी वरुण धवन अब बन गए हैं रिबॉक के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये पीछे के सारे ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर वीर चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मानित किया गया है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को, ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं को अभी स्वतंत्रता दिवस यानी कि आज वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। अभी ये चर्चा में थे जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान के बालाकोट पे स्ट्राइक की थी, उस टाइम पे ये बहुत चर्चा में थे, पुलवामा अटैक के बाद स्ट्राइक की थी और ये पाकिस्तान में रह गए थे, तो उसके बाद बहुत चर्चा में थे। और अब इनको स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि आज दिया जाएगा वीर चक्र अभिनंदन वर्धमान, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में AAA यानी एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के एथलेटिक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है पीटी उषा को। तो यानी AAA की फुल फॉर्म है एशियन एथलेटिक एसोसिएशन, तो इसके एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है पीटी उषा, यही है पीटी उषा, और इन्हीं को एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी
करेक्ट है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कांगो में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, यानी कांगो में भारत के अगले अम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन ए गोटूराम मीणा, ऑप्शन ए करेक्ट है गोटूराम मीणा, तो इन्हीं को कांगो में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, यही है गोटूराम मीणा। तो इनकी इमेज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, तो यही गोटूराम मीणा है और इन्हीं को कांगो में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब इनको कांगो में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो कांगो के बारे में देखते हैं। कांगो की कैपिटल है प्रजाविल, करेंसी है कांगो की सेंट्रल अमेरिकन फ्रैंक, और प्राइम मिनिस्टर है कांगो के डी एस नगुसो, कौन है डी एस नगुसो, वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है कांगो के, तो इसी में राजदूत नियुक्त हुए हैं अगले गोटूराम मीणा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वैश्विक निवेशकों के सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर करेगा वैश्विक निवेशकों के सम्मेलन 2019 की मेजबानी, अब ये जम्मू कश्मीर करेगा, तो जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तो उसके बाद अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और अब राज्य नहीं रहे जम्मू कश्मीर, तो यानी कि भारत में कुल अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और बात करें जम्मू कश्मीर की, तो दो कैपिटल हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू यह है विंटर कैपिटल और श्रीनगर है समर कैपिटल, और जम्मू कश्मीर के अभी राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, तो अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में फ्रेंच सम्मान पाने वाले पहले भारतीय शेफ कौन बने, तो ये बने प्रियम चटर्जी, यही है प्रियम चटर्जी, और ये फ्रेंच सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शेफ बने हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के प्रियम चटर्जी, तो ये जितनी भी जो बंगाली डिश आती हैं, जितनी भी बंगाली डिश आती हैं उनके एक्सपर्ट हैं ये, और अब इनको फ्रेंच सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये पहले भारतीय शेफ बने जिनको फ्रेंच सम्मान दिया गया है। अब ऑप्शन सी, तो ये पश्चिम बंगाल के हैं, तो मैप में देखते हैं पश्चिम बंगाल को, ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो ये हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, और अभी कोलकाता पहला, अभी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन शुरू की जाएगी, तो कोलकाता मेट्रो भारत का पहला मेट्रो बनने जा रहा है जो अंडर वाटर होगा, तो ये ध्यान रखना है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और गवर्नर अभी चेंज हुए थे जगदीप धनखड़, तो जगदीप धनखड़ बने नए गवर्नर पश्चिम बंगाल के, तो अभी 10 राज्यों के राज्यपाल बने हैं, तो कई बार बताएं 10 राज्य के राज्यपाल, तो ध्यान रखना है 10 राज्यों के राज्यपाल बने हैं अभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हीरे की पॉलिश यानी हीरे के प्रसंस्करण के लिए किस राज्य ने रूस के साथ समझौता किया है, तो ये समझौता किया है गुजरात ने, अभी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो रूस गए हुए हैं और इन्होंने ये समझौता किया है हीरे की पॉलिश के लिए रूस के साथ, अब ये गुजरात ने किया है, तो मैप में देखते हैं गुजरात को, ये रहा मैप में गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं अभी गुजरात के नए गवर्नर बने थे अभी आचार्य देवव्रत, तो गुजरात के नए राज्यपाल बने, तो अभी 10 राज्यों के राज्यपाल बने और कई बार बताएं उन 10 राज्यों के राज्यपाल को, तो एक बार फिर से बताते हैं 10 राज्य के राज्यपाल, तो सबसे पहले बने थे हिमाचल प्रदेश के कलराज मिश्र, उसके बाद बने थे गुजरात के आचार्य देवव्रत, उसके बाद बने थे छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके, उसके बाद बने थे आंध्र प्रदेश के
आंध्र प्रदेश के बने थे विश्वभूषण हरिचंद्रन, और फिर बने थे बिहार के बने थे फागु चौहान, और एमपी के बने थे लालजी टंडन, और यूपी के बने थे आनंदीबेन पटेल, और पश्चिम बंगाल के बने थे जगदीप धनगढ़, और त्रिपुरा के बने थे रमेश बैस, और नागालैंड के बने थे आर एन रवि। ठीक है, अभी 10 राज्यपाल बने नए नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, कोई से भी एग्जाम में पूछ सकता है ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इनके नाम। तो रूस के साथ समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू हुई है? तो ये हुई थी झारखंड में, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी झारखंड। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, और इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल। तो वीडियो को डेली रोजाना देखेंगे तो आपकी करंट अफेयर भी सही होगी, और साथ ही में स्टैटिक जीके भी सही हो जाएगी, और मंथली करंट अफेयर के वीडियो भी दिए गए हैं, तो उन वीडियो को भी जरूर देख लें। मंथली करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहां से देख सकते हो सारे मंथ के करंट अफेयर के वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तो आज 15 अगस्त है, तो फिर से विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विद यू।